हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू क्लास फोर्थ मैथमेटिक्स चैप्टर वन रिवीजन. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और इस आज करने वाले हैं हम यूज़ ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू. इक्वल टू का यूज़ आप सबको आता है. अगर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों साइड इक्वल नंबर लिखा हुआ है देन वी विल यूज़ इक्वल टू. ओके, अब हम बात करते हैं ग्रेटर देन. ग्रेटर देन के साइन की. ग्रेटर देन अगर ग्रेटर देन और यह है लेस देन. ये साइंस तो आपको आते ही होंगे, आप फोर्थ क्लास में आ गए हो, है ना? तो ये तो आप सेकंड स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो. ओके, तो इसको करने का तरीका मैं तो ऐसे ही करती हूँ. देखो सिंपली कि सपोज करो दो लड्डू रखे हुए हैं, एक छोटा है एक बड़ा है. मम्मा बोलती है एक लड्डू ले लो बेटा, तो आप बड़ा वाला लोगे, है ना? बड़ा वाला खाओगे. तो इससे आप एक चिड़िया की चोंच को चोंच समझो कि एक चिड़िया की चोंच है. ओके, तो चिड़िया बड़े वाले लड्डू को देख के ही तो अपनी चोंच खोलेगी ना, जैसे आपने बड़ा वाला लड्डू लिया था वैसे ही. तो बड़े वाले नंबर की साइड आपको इस चोंच को ओपन कर देना है. ओपन इधर है और क्लोज इधर है, है ना? ये आप देख पा रहे हो, दिस साइड इज़ क्लोज एंड दिस साइड इज़ ओपन. तो बड़े वाले नंबर की साइड आपको चोंच को खोल देना है. करना सिर्फ इतना ही है और नंबर पढ़ने पे आपको पता चल जाएगा कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है. काउंटिंग में जो नंबर पहले आता है वो छोटा होता है और जो बाद में आता है वो बड़ा होता है. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, सॉरी क्वेश्चंस. द वेरी फर्स्ट इज 1001. एक साइड है 1001 और दूसरी साइड है 996. तो 1000 बड़ा हो गया, तो बड़े की साइड चिड़िया की चोंच को खोल दिया. अब हम इस नंबर को पढ़ेंगे कैसे. 1001 इज ग्रेटर देन 996. ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं. 5406 एंड सेकंड साइड इज 5460. अब देखो 5454 कॉमन है, बच्चा क्या 06 और 60, तो 60 बड़ा हो गया. तो हम क्या करेंगे, चिड़िया की चोंच को इस साइड खोल देंगे. तो अब हम इस नंबर को पढ़ेंगे कैसे. 5406 इज लेस देन 5460. ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं. 9007 एंड 9070, वही दोनों में दो नंबर कॉमन है, बच्चा क्या 7 एंड 70, तो 70 बड़ा हुआ. तो हम क्या करेंगे, इधर लेस देन का साइन लगाएंगे. 9007 इज लेस देन 9070, है ना? इस तरह से हमें करना है. ओके, चलो एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ आपको, फोर्थ नंबर का. 3214 एंड 31024. यहाँ 32000 है, यहाँ 31000 है, तो ऑब्वियसली 32000 बड़ा हो गया. मतलब शुरू के दो नंबर हमने पढ़े नहीं थे, हमें पता चल गया कि कौन सा नंबर बड़ा है. तो हम क्या करेंगे, दिस साइड. तो हम इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे, 3214 इज ग्रेटर देन 3124. ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया है. ये 25 क्वेश्चंस जो हैं ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में कर लेने हैं. दिस इज़ योर होम असाइनमेंट. आपको बुक में नहीं करने हैं, नोटबुक में करने हैं. और हाँ, मैं बुक के क्वेश्चंस में कुछ चीज़ें और ऐड कर देती हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर इस क्वेश्चन में आपके बुक में 9 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्लस मैंने यहाँ क्या किया है 15 दिए हैं, बिकॉज हमें एक दिन में मैं आपको एक ही टॉपिक करवाती हूँ ताकि आप पर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े और आपका होमवर्क भी बहुत कम रहे और आपको चीज़ें जल्दी जल्दी समझ आ जाए. ओके, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि मैम बुक में तो 89 ही दिए हैं, आपने हमें 15 दिए हैं, 15 करने हैं क्या. ओके, तो कन्फ्यूज नहीं होना, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, आपको जस्ट नंबर को पढ़ना है और जो नंबर बड़ा है उसकी साइड चिड़िया की चोंच को खोल देना है. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. गुड लक, बाय बाय.